गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिलर पॉप पर। मैं हूँ आपके साथ चंद्रशेखर, और आप सभी को पता है कि आपकी मैथ की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, DI कंप्लीट हो चुकी है, आपकी रीजनिंग के टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, मतलब जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। मॉक टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि इसमें आपकी स्पीड बढ़ जाती है और आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ठीक है साथियों, तो ये थे आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन। जो भी सेट की तैयारी कर रहा है साथियों, जो भी MP सेट, राजस्थान सेट, चाहे किसी भी स्टेट से सेट का एग्जाम हो, ठीक है, उन सभी के लिए, क्योंकि आपका जो पैटर्न रहता है वो सेम UGC नेट का ही पैटर्न रहता है, वही वैसी उसी प्रकार के जो आपके पास लेवल है वो सेम वैसा ही रहता है। लेवल थोड़ा कम आता है, बाकी सब ऐसा का ऐसा रहता है। कई बार क्वेश्चन तो सिर्फ UGC नेट के ही उठ के इसमें आते हैं, ठीक है, तो वो चीजें भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं फर्स्ट पेपर की, तो उसके लिए 75% ऑफ है और 1699 का आपके पास कोर्स है, अगर लेना चाहते हो तो। ठीक है, और आपके लिए वैलिड रहेगा 6 मंथ के लिए, तो जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है, तो आपके पास नीचे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप इनसे बात कर सकते हो। ठीक है, ये अपनी साइट है, सभी को पता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, YouTube पे आपके पूरी क्लासें आपको मिल जाएगी। ठीक है, UGC नेट 2023 के लिए जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी एग्जाम होंगे 2023 के अंदर, उसके लिए आपके 699 रुपए का कोर्स है, अगर कोई भी लेना चाहता है तो। ठीक है, फिर आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 75% ऑफ के ऊपर है अभी। ठीक है, तो आप जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, और जो भी ऑनलाइन क्विज देते हैं, ठीक है, तो 12 बजे ऑनलाइन क्विज होती है, सभी को अटेंड करनी है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है अटेंड करने में, तो आपके पास ये मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप इन पे कॉल मैसेज कर सकते हो कि सर हमें अटेंड करने में परेशानी आ रही है। ठीक है, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। मिशन GRF, आप सभी को पता है दोस्तों कि मिशन GRF आपका कितनी तारीख से स्टार्ट है, 2 जनवरी से आपका स्टार्ट है। ठीक है, 2 जनवरी से आज स्टार्ट है, और 2 जनवरी से आपकी मॉर्निंग के टाइम 8 बजे आपकी करंट की क्लास होती है। ठीक है, 9 बजे आपकी PYQ MCQ की क्लास होती है निधु मैम की। ठीक है, 10 बजे आपकी क्लास होती है उषा मैम की, यूनिट फर्स्ट वाली। ठीक है, और 11 बजे आपकी दोस्तों क्लास होती है रीजनिंग की। ठीक है, मैथ की, जो मैथ अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, DI कंप्लीट हो चुकी है, अब आपकी जो रीजनिंग वाले टॉपिक है वो अभी कवर हो रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग वाले टॉपिक में भी अभी मैं बता दूंगा कि कौन कौन से कवर हो चुके हैं और कौन सा टॉपिक अब चलेगा, और नेक्स्ट जो आपके टॉपिक रहेंगे वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ICT की क्लास दोस्तों 9 बजे होती है जितेंद्र सर की, तो क्लासे शाम को होती है ये। ठीक है, ICT की, तो सभी को अटेंड करनी है क्लास। ठीक है, ये आपके फोरम की बात है, 10 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्जाम डेट आपकी 21 फरवरी से 11 मार्च के बीच में है, और आपका 8 अप्रैल को रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, तो 21 फरवरी को उसका एग्जाम है। ठीक है, और अगला जो एग्जाम रहेगा वो 13 जून से कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये थे एग्जाम के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूं, आप सभी पूछ रहे हैं कि कौन सा टॉपिक होगा या कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जो भी नए विद्यार्थी हैं, ये आपके पास पूरे टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, जितनी डेट से, जितनी 2 जनवरी से आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हुई है, वो सभी क्लासे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, किस तारीख को कौन सी क्लास हुई है, वो सभी मैंने यहाँ पर आपके लिए बना के रख दी है, जिससे आपको पता चल सके कि कौन सी तारीख को कौन सी क्लास आपकी स्टार्ट हुई थी। ठीक है साथियों, अब जो आगे की क्लासें हैं वो सभी आपके सामने हैं। ठीक है, जो आपका 26 तारीख को आपकी क्लास नहीं हो पाई थी कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो आपकी जो डायरेक्शन क्लास थी वो 27 तारीख को हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है, आज जो क्लास होगी 28 जनवरी को, वो आपकी होगी दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपको पूछा जाता है रैंकिंग वाला, तो रैंकिंग वाला तो आपको इजी होता है, रैंकिंग वाले आप आसानी से कर सकते हो। आप कह देते हैं कि राम यहाँ पर बैठा है, इससे 2 बगल में आपके पास श्याम बैठा है, कुछ भी बोल सकता है, तो रैंकिंग वाले इजी होता है। सिटिंग अरेंजमेंट वाले में आपको परेशानी आती है, वो आज हम इसमें सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्शन के बाद में ही मैं सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर आया हूँ, ये भी मैं कारण बताऊंगा कि इसके बाद में ही मैं ये चीज क्यों पढ़ा रहा हूँ,
क्योंकि आपको ये जो दाएं बाएं लेफ्ट राइट इनमें प्रॉब्लम आती है वो अगर डायरेक्शन वाले अगर क्लियर है तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट में कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। मैं अभी बताऊंगा कि इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा देखो बाई चांस इसमें क्वेश्चन बनता है, और बाई चांस जो क्वेश्चन बनता है वो आपको प्रॉब्लम में खड़ा कर देता है। ठीक है, बाई चांस क्वेश्चन अगर इसमें बन गया है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपने इसमें ध्यान नहीं देते हो, आप इसको छोड़ देते हो टॉपिक को, तो फिर आपको परेशानी आती है। इसलिए मैं ये टॉपिक भी कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगर आता है तो आपको कोई चीज सीखने को नहीं मिलेगी, ध्यान में रखना है। और ये टॉपिक कभी कभार पूछ लेते हैं तो आप इसमें गलतियां करते ही करते हो, तो सिटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगर डायरेक्शन आपका कंप्लीट है तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपको बहुत कम प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम बिल्कुल इसका सॉल्यूशन करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अगर किसी को भी कोई परेशानी आती है तो बिल्कुल बेझिझक पूछिएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, तो ये सभी चीजें आपको मैं बता देता हूँ। आगे जो क्लास होगी आपकी दोस्तों जो कैलेंडर वाली होगी 29 तारीख को। ठीक है, फिर आपकी जो वेन डायग्राम और एनालॉजी है तो वेन डायग्राम आपका बाद में करवाऊंगा, पहले मैं एनालॉजी से संबंधित आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ध्यान रखना, एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है कि आपका लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। ये दोनों पार्ट आपके दिखने हैं ना, ये सभी एनालॉजी हुआ, वेन डायग्राम हुआ, ये सभी आपके इसमें लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित रहेंगे। ठीक है, जो आपकी ये क्लासें होगी उस लॉजिकल रीजनिंग अगर जिसने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है ना, तो लॉजिकल रीजनिंग में देखो थ्योरिटिकल सेशन तो आपका मैडम ने कंप्लीट करवा दिया उषा मैम ने। ठीक है, आपके जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, जिस तरीके से आपको क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। मेरे साथ बने रहिए, लॉजिकल रीजनिंग आपका चुटकियों में सोल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने देखी तो होगी लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, चलो तो फिर हम आगे चलते हैं, शुरू करते हैं जो आज का आपका सेशन है अपना। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट वाला। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट वाला यानी व्यवस्थित क्रम करना है। अगर आपको क्वेश्चन देखो किस किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है इसमें क्वेश्चन किस किस प्रकार बनते हैं। तो एक बात ठीक है, यहाँ पर होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द सेंचरली। ठीक है, ठीक है, आगे देखो ओरिएंटेड पर्सन इन द फिगर। ठीक है, इसमें कहा क्या कहा गया है कि आपको पूछा गया है कि आकृति में केंद्र की ओर मुख करे व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी इस प्रकार आपके पास कोई वर्थ दिया हुआ है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास इसमें कितने भी व्यक्ति बैठे हो, अगर चार व्यक्ति बैठे हो तो चारों कोनों में इस तरीके से बैठा दीजिएगा। ठीक है, अगर पांच व्यक्ति बैठे हैं तो इसमें कहीं भी बैठा सकते हैं। ठीक है, अगर छह व्यक्ति बैठे हैं तो इसमें भी कहीं भी बैठा सकते हैं, सात हुआ आठ हुआ, आप आसानी से इसमें बिठा सकते हो। ठीक है, अब एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, आपके पास आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। ठीक है, आपके प्रॉब्लम आती है कि मान लो कि आपके पास केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, इस तरफ मुख करके बैठे हैं सारे व्यक्ति। ठीक है, इस तरफ से, तो आपको इसमें तो कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, बाकी आपका सब कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको लेफ्ट राइट बता दिया है। ठीक है, अगर आपने केंद्र की ओर इस तरफ मुंह करके बैठे हो, ठीक है, तो आपका राइट किधर हो जाएगा, आपका राइट ये वाला हो जाएगा, लेफ्ट ये वाला हो जाएगा। ध्यान में रखना है इन चीजों को। अगर इसकी बात करता हूं कि इसका लेफ्ट राइट किधर हो जाएगा, तो इसका लेफ्ट आपके पास किधर हो जाएगा, ये तो हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। इन चीजों को ध्यान में रखना है। इसमें भी क्या होगा, इसमें आपके पास राइट तो ये रहा और लेफ्ट ये रहा, इन चीजों को बस ध्यान में रखना है, बाकी आपका जो क्वेश्चन जो बोल रहा है वैसा के वैसा काम करते हुए चलना, आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि आपके पास एक वर्थ दिया हुआ है और वर्थ के आपके बाहर की साइड मुंह करके बैठे हैं व्यक्ति। किस तरफ बैठे हैं, बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, इस तरफ। ठीक है, मुंह इस तरफ है, तो आपका अब ये चीज ध्यान में रखना है, आपका जो राइट है और लेफ्ट है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें जरूरी है। आपका राइट कहाँ पे हुआ, ये केंद्र की ओर मुख करेंगे तो आपका राइट लेफ्ट आपको सभी को पता है। अगर केंद्र की ओर मुख नहीं करते हो और बाहर की ओर मुंह करते हो तो आपका लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, आपका राइट ये हो जाता है, लेफ्ट आपका ये हो जाता है। ये चीज ध्यान में रखना है, बाकी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपका दाया होता है, ये आपका बाया होता है, हिंदी वाले भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर इस ऊपर वाले की बात करता हूं मैं दोस्तों, कि ऊपर वाले में आपको लेफ्ट और राइट बताना है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ये आपका राइट हो गया है, ये लेफ्ट हो गया है, ये आपका दाया है और ये आपका बाया है।
ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनते हैं, अगर वर्त वाले में तो उस आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। और आपको आपके रो भी दिया जा सकता है, कोई एक रो दे दिया है, ठीक है, एक रो भी दे सकता है, दो रो भी दे सकता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। एक आयत भी बना के पूछ सकता है कि एक आयत मतलब एक आयताकार टेबल है और टेबल के चारों कोनों में, यानी इस प्रकार जो चारों कोनों में है वो तो आपके पास बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। किस तरह बैठे हैं, बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये भी चीज ध्यान में रखना है। अगर बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो आपको लेफ्ट राइट का पता होना चाहिए कि आपका राइट तो इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट आपका इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। अगर बीच के लिए पूछता है कि जो आपके पास बीच में व्यक्ति बैठे हैं वो अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो आपका ये भी ध्यान में रखना है जो अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं उनका लेफ्ट राइट अलग होता है, उनका राइट आपके पास ये बनेगा, लेफ्ट ये बनेगा, ध्यान रखना इन चीजों को। अगर ये चीजें आपकी क्लियर है तो आप इस जो आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक है उसमें आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो अब तो क्लियर है सभी को, अगर आपसे आयत के बारे में पूछे, ठीक है, वर्त के बारे में पूछे तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये चीजें आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केंद्र की ओर मुंह करके भी पूछ सकते हैं, सेंटर की तरफ, ठीक है, और सेंटर से बाहर आपको फेस आपका क्या होता है, बाहर की तरफ, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वर्त भी पूछा जा सकता है, आयत के बारे में भी पूछा जा सकता है, वर्गाकार टेबल के बारे में भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना इन चीजों के बारे में, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर जिसको ये इन चीजों में प्रॉब्लम आई है, क्वेश्चनों में 100% प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब तो क्लियर है, ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी, चाहे फिर कोई सा भी क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन सबसे इजी है, देखते हैं इसका आंसर, सबसे पहले समझ लीजिए, फिर बाद में जो भी करोगे बाद में कर लेना, ठीक है, पहले समझ लो, उसके बाद में आप ही को करना है अगला क्वेश्चन, पहले ध्यान से समझिएगा। एल एम एन और पी केंद्र की, यानी चार व्यक्ति है, ध्यान रखना, एल एम एंड पी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, यानी कि जो आपके पास सेंटर है उसकी तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। वर्ताकार है तो मैंने वर्त बना दिया है, ठीक है, अब वर्त बना दिया है, चार व्यक्ति हैं, चार व्यक्तियों को मैंने चारों कोनों में रख दिया है, ठीक है, चार व्यक्तियों को चारों कोनों में रख दिया, किसी को भी कोई परेशानी हो तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसने क्या पूछा है, चार व्यक्ति हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हो, ध्यान में रखना, इर्द गिर्द बैठे हैं, पता नहीं कहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। अब जो आगे पूछेगा उसके बारे में ध्यान से देखना है, इसने क्या कहा है, पी, जो पी है आपके एन के तुरंत बाद क्या है, तुरंत बाएं है, ठीक है। तो आपके अब ये चीज यहां पे ध्यान में रखना है, इसने कहा क्या गया, किसके तुरंत बाएं है, तो आपको बताना एन के तुरंत बाएं है, पी का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हम पढ़ने में ही परेशानी खड़ी कर देते हैं, पढ़ने में ये चीज समझ में नहीं आती है, पी के एन बाएं है या एन के पी बाएं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है यहाँ पर कि पी एन के, यानी एन के, तो एन मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, कहीं भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, एन कहीं भी रखो, ठीक है, यहाँ पर रखोगे तो आसान रहेगा, यहाँ भी रखोगे तो भी आसान, यहाँ पर रखोगे तो आसान होगा, लेकिन यहाँ पे रख दोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा लेफ्ट राइट में, तो यहाँ पर रख देना आपको, ठीक है, एन मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अगर मैं एन यहां पर नहीं रखता, दो मिनट के लिए, अगर जरूरी नहीं है कि एन में यहां पर रख दो, ठीक है, कहीं भी रख दो, कोई जरूरी नहीं है, मैंने मान लो कि आपके पास एन यहां पर रख देता हूं, ठीक है, जिससे आपको भी कोई परेशानी ना हो, कहीं भी रख दो, कोई जरूरी नहीं है, एन मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है। अब इसने क्या कहा, एन के तुरंत बाएं, अब एक बात बताइए एन का बाया किस तरफ होगा, देखो केंद्र की ओर तो मुंह करके बैठे हुए हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर एक क्वेश्चन ध्यान से समझ गए तो आगे के आने वाले क्वेश्चनों में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब इसने क्या कहा, एन के तुरंत बाएं, तो आपका देखो ये तो हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, तो उसने क्या कहा है कि आपको लेफ्ट में बताना है, ठीक है, इंग्लिश भी देख लीजिएगा, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट ऑन एन, ठीक है, यानी एन के लेफ्ट में कौन बैठा है, आपके एन के लेफ्ट में आपके पास पी बैठा है, बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने आगे बताया है, एल जो है एन और एम के बीच में है, अब बताओ कि एल जो आपके पास दिया हुआ है वो किस किस के बीच में है, एन और एम के बीच में, एन हमारा फिक्स है, इसको तो चेंज करना नहीं है, अब इसको देखो यहां पर एन रख नहीं सकते, ठीक है, आपका अगर मैं एल यहां पर रख दूं तो ये बीच में हो गया क्या, यानी एम और एन के बीच में है ना एल, तो बस आपका ये फॉर्मूला ये फिट हो गया है। अब इसमें जो भी पूछता है उसकी स्थिति बता दीजिए, अब इसने क्या पूछा है कि एम की स्थिति क्या है, ठीक है, एम की स्थिति तो आपको ये पता चल गया होगा कि आपके पास कहां पे दिया हुआ है, लेकिन हमको आंसर देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ए ऑप्शन में चलिए, कि इसने क्या कहा है,
एल के तुरंत बाएं यानी इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एल, ठीक है। क्या इसके जस्ट एल इसका लेफ्ट में है क्या? ये तो इसके किस में है? ये तो आपके पास राइट में हो गया, है कि नहीं राइट में? तो आपका पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं, पी के तुरंत दाएं, क्या पी के तुरंत दाएं है क्या? पी का दाया किस तरफ है? दाया इस तरफ है, यानी कि राइट आपका इस तरफ होगा। तो ई के इसके इस तरफ तो एन है, तो ये भी गलत ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना। आगे देखिए, पी के सामने है क्या? पी के सामने तो एल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो चुका है। आगे देखो, एल और एन के बीच में है क्या? ये रहा एल और एन, इसके बीच में तो कुछ भी नहीं है, तो इसके बीच में कुछ नहीं है, तो ये भी आपका आज का आंसर गलत हो गया। अब ऑप्शन आपके पास इनमें से कौन सा है? इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जिसके भी समझ में आ चुका है, बाकी क्वेश्चनों में आपको कहीं भी जो भी अंदर वाले मुंह है, ठीक है, उसमें आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। चाहे आपको अगला क्वेश्चन करके देख लेना है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, सभी को आंसर देना है जितना जल्दी हो सकते हैं, ठीक है, हो जाइए स्टार्ट। बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ई इज करेक्ट आंसर, सभी को देना है। अगर सब आंसर दोगे तो इसमें आपका फायदा होगा, ठीक है, बिल्कुल। अब वही चीजें ध्यान में रखनी है जो हमने सीखा है। चलो हो जाइए शुरू, देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन शुरू कर दीजिए, देखते हैं क्या आंसर होगा। अब क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है, हाँ, मतलब तरीके अच्छे होते ही जाएंगे, क्वेश्चन टफ होते ही चलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको सरल चीजें आनी जरूरी है, ठीक है। आपने अगर बूंद बूंद से घड़ा भर लिया तो आपका घड़ा भरा हुआ है, ठीक है, तो फिर आपको चाहे कठिन ना हो, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन ना हो, ठीक है, आपको आसानी से उसको आसान सोल्व कर पाओगे, ठीक है, हाँ, लेकिन पहली बेसिक चीजें आपको आना जरूरी है, ठीक है, बिल्कुल। चलो गुड, और जिन्होंने दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज सभी दोस्त मेरे लाइक कर दीजिए क्लास को। क्लास अगर पसंद आती है तो पहले काम आपको लाइक का बनता है, सभी लाइक कर दीजिए, ठीक है, जितने भी हैं उतने, जितने देख रहे हैं उतने सभी लाइक कर दीजिए प्लीज, ठीक है। चलो गुड, गोपाल एंड राम आ रहा है, ठीक है, सी आंसर आ रहा है सभी का, क्या बात है, चलो देखते हैं। बिल्कुल सभी का आंसर आने लगा है, चलो देखते हैं, सोल्व करते हैं। इसने क्या कहा है, फोर फ्रेंड वेयर प्लेइंग कार्ड सिटिंग इन ए सर्कल, यानी एक सर्कल के अंदर बैठकर चार व्यक्ति, चार दोस्त हैं अपने, ठीक है, जो ताश खेल रहे हैं, ठीक है। शंकर वाज सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ राम एंड गोपाल वाज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अरविंद, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वेयर पार्टनर इन द गेम, यानी गेम के अंदर जो पार्टनर होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, वो बताना है। सबसे पहले एक वर्त बना दीजिए, ठीक है, अब जो वर्त बनाया है उसमें चार व्यक्ति बिठा दीजिए, वन है, टू है, थ्री है और फोर है। अब एक बात बताइए, जो ताश खेल रहे हैं, ठीक है, वो केंद्र की ओर ही मुख रखेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाहर की ओर मुख करके खेले, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना, अंदर की तरफ मुंह करके खेल रहे हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, राम के दाएं तरफ शंकर बैठे थे, ठीक है, यानी मैं अगर यहां पर राम मान लेता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर राम मानता हूं, तो एक बात बताइए, राम की दाई तरफ, तो इसका राम का दाया तरफ कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है, राम की दाई तरफ शंकर बैठे हैं, तो ये रहा राम की बाई तरफ शंकर साहब, ठीक है, क्लियर है, शंकर बैठे थे, ठीक है, चलो। और अरविंद के बाई तरफ गोपाल बैठे हैं, अगर मैं अरविंद को बाई तरफ, अगर देखो बाई याद रहना, अगर मैं इसका यहां पर अगर अरविंद को बिठाता हूं, यहां पर सोचिए दो मिनट के लिए, अरविंद अगर मैं यहां पर बिठाता हूं तो इसके बाई तरफ कौन है भैया, इसके बाई तरफ तो एस है, लेकिन इसने क्या कहा है, अरविंद की बाई तरफ कौन रहना चाहिए, गोपाल रहना चाहिए। अगर मैं अरविंद को यहां पर बिठाऊं, अरविंद को यहां पर बिठाऊं, तो इसके बाईं तरफ कौन बैठ सकता है, गोपाल बैठ सकता है ना, तो मैं इसकी जगह में क्या रख देता हूं, जी गोपाल, ठीक है, तो आपका आंसर ये बन चुका है। अब इसने क्या कहा है कि पेयर बताना है, युगल कौन से हैं, ठीक है, क्या बताइए, राम और अरविंद का पेयर है क्या, नहीं, ठीक है, तो आप ताश खेलते हो, ये तो पता है कि आमने सामने के तो मित्र होते हैं,
ठीक है, तो इनका आंसर बता दीजिए। गोपाल एंड शंकर हो सकता है क्या? गोपाल एंड शंकर भी नहीं हो सकता, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। राम और शंकर हो सकता है क्या? राम और शंकर भी नहीं हो सकता। क्या होगा? गोपाल एंड राम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गोपाल एंड राम। तो आपका राइट आंसर डी इज करेक्ट आंसर, डन है। तो अब आपको फोर वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राम और शंकर भी नहीं हो सकते, राम और शंकर तो ये देखिए ये फिर बैठे हैं, ये ऐसे दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है, यानी बगल में वाले नहीं होंगे, आपको आमने सामने वाले मित्र होते हैं, ठीक है, पता है ना, खेले हुए हो सभी, ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत है। तो डी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, अब जो भी चार वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे, चार मित्रों वाले, चार कोई भी नाम दे दे तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है पांच लड़कों से संबंधित, चार वालों में कहीं भी परेशानी नहीं होगी, चाहे आप किसे किस तरीके से भी बिठा दो उनको, ठीक है, नहीं होगी ना। पांच वाला ध्यान से देखना है, पांच वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो थोड़ा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, चलो हो जाइए शुरू। पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर और इसको पढ़िए, फिर बाद में आंसर देना है, ठीक है, पहले आंसर क्वेश्चन को पढ़ी थी ध्यान से। ए बी सी डी ई पांच लड़के हैं और एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, ठीक है, चलो हो जाइए शुरू, मैं वर्ती बना देता हूं, ठीक है, साथ के साथ, चलो अब आगे शुरू कर दीजिए, देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो इसका आंसर बताइए। ए बी सी डी ई है और पांच विद्यार्थी हैं, चलो कोई बात नहीं, पांच विद्यार्थी हैं, तो पहले पांच का डायग्राम बना लीजिए। एक तो मैं रख देता हूं यहां पर, ठीक है, एक तो यहां पर रख देता हूं, दो को यहां पर रख दिया और बाकी को यहां पर रख दिया, ठीक है, हो गए पांच। चलो आंसर देखते हैं, बिल्कुल चारू जी, इंडियन लॉजिकल आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, उषा मैम है, उन्होंने ये थ्योरिटिकल सेशन कंप्लीट करवा दिया है, जिन क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ केले आम है, कुछ केले सेम है, उन क्वेश्चनों में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उसी टाइप के क्वेश्चन भी आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे, ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर लेंगे, घबराइए मत, ठीक है, आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी, बाकी जो भी बेसिक रहेगा मैं आपको पहले बता दूंगा, ठीक है, चलो पूछूंगा मैं आपको क्लास जब लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में जब पूछूंगा मैं आपसे कि किसको कहां पे कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, तब आपको बताना है कि जो भी प्रॉब्लम आपके सामने होती है बिल्कुल बेझिझक बता देना कि आपको कोई भी परेशानी आती है तो, ठीक है, चलो देखते हैं, आंसर भी आ चुके हैं, चलो क्या बात है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, ठीक है, बैठे हैं एक वृत्ताकार, पांच लड़के बैठे हैं, ठीक है, इसने क्या कहा, सी ई के ठीक बाई ओर बैठा है, यानी सो सी है वो ई के ठीक बाई ओर बैठा है, अगर मैं एक डायग्राम में यहां पर सी बिठा देता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर सी बिठाता हूं तो ठीक बाई ओर कौन सा हो गया है, ठीक है, सी ई के क्या हुआ, बाई ओर, तो यहां पर ई है, ठीक है ना, यानी ई के बाई ओर कौन है, सी है, ठीक है, यहां पर मैंने ये कर दिया कि ई के ठीक बाई ओर बैठा है कौन, सी, ठीक है, तो ये बाई ओर हो गया, ठीक है, इसका राइट तो ये है, लेफ्ट की साइड में कौन बैठा है, सी बैठा है, क्लियर है, आगे बात कर देते हैं, ए डी और ई के बीच में बैठा है, यही बात कही गई है ना, जो डी है, अब एक बात बताइए, जो डी है आपका वो किस किस के बीच में बैठा है, ई और डी के बीच में, ठीक है, यानी ए आपके पास जो है वो किस किस के बीच में बैठा है, ई तो आपके पास ये तो हिलेगा नहीं, ठीक है, ये हिलेगा नहीं, तो ए आपके पास यहां पर होगा, तो आपके पास और क्या बचा, डी आपके पास यहां पर रख सकते हो, डी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपके पास बची कौन सी संख्या है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बी बचा है, जगह भी आपके पास ए की बची है, तो यहां पर रख दीजिए बी को, इसमें बताया नहीं गया है, लेकिन जो बचा है उसको जहां पर जो जगह बचे वहां पर बिठा दो, ठीक है, उसके बाद में आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अब क्वेश्चनों को सोल्व करते चलिए, बस इतना इजी हो जाएगा, पांच क्वेश्चनों वाला भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये जैसा कह रहा है वैसे वैसे काम करते चलिए। सबसे मेन प्रॉब्लम आती है आपको राइट और लेफ्ट में, ठीक है, इन क्वेश्चनों में यही चीजें ध्यान में रखनी है, अगर जिसको इनमें प्रॉब्लम नहीं आई क्वेश्चन सोल्व है उसका, ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, बी और ए के बीच में कौन बैठा है, यानी जो बी है और ए है इसके बीच में कौन बैठा है, साथियों इसके बीच में आपको डी नजर आया क्या,
ठीक है, तो इसके बीच में आपको डी नजर आया तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, वन का दो। टू में आंसर देखो इसने क्या पूछा है, सी के ठीक बाई ओर कौन बैठा है, देखो इसमें क्या पूछा है, सी, ये सी रहा, ठीक है, सी के ठीक बाई ओर, ठीक है, ये तो इसका तो राइट हो गया और ये हो गया इसका लेफ्ट हो गया, ठीक है, इसने क्या पूछा है बाई ओर, यानी कि सी के बाई ओर कौन बैठा है, बी आपका राइट आंसर होगा, तो आपका राइट आंसर बी आपका राइट आंसर होगा, ये रहा बी, ठीक है, तो इसका भी आंसर ये होगा, तो दोनों आंसर आपको मिल चुके हैं, सी सी आपके राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब इसमें है देखो, उसमें तो चार थे, इसमें पांच थे और इसमें आ गए हैं छह, ये चीजें भी ध्यान में रखनी है, ठीक है, चीजों को समझिएगा पहले, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में आंसर देना है, देखते हैं कितनों का आपको आंसर आता है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन नंबर फोर को ध्यान से पढ़ो, छह मित्र दिए हुए हैं, ठीक है, छह मित्र दिए हुए हैं, डायग्राम बना देता हूं छह मित्रों का, ठीक है, ये रहा फर्स्ट, और छह मित्रों में क्या होता है कि दो डायग्राम बना लो तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है, दो डायग्राम से आपसे क्या होगा कि हर चीज आपको पता चल जाएगी, ठीक है, देखो यहाँ पर छह मित्र दिए हुए हैं, मैंने छह लिख दिया, वन वन यहाँ पर, इसका जस्ट इसके सामने लिख दिया और इसका जस्ट इसके सामने लिख दिया, ठीक है, छह मित्र हो गए, ठीक है, क्लियर है, चलो अब शुरू हो जाइए, ठीक है, देखते हैं, बिल्कुल दोनों सही है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा लहजे से पढ़ना है, थोड़ा सा इमोशनल होके पढ़ना है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरा मतलब कहने का, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे एकदम हर एक चीज को उठा के चलना है, किसी को भी देखो जल्दीबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा, पहले स्टार्टिंग में आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, चीजों को समझना है, ठीक है, फिर बाद में चाहे कितनी स्पीड बढ़ा लो आसानी से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन पहले चीजों को समझते हुए चलना है, फिर बाद में चाहे कितनी स्पीड से करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, चलो, हाँ गुड, सी की तरफ आंसर, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, पीछे वाला आंसर कर रहे हो क्या, अच्छा टेलीग्राम से ज्वाइन होना है, देखो आपको अगर टेलीग्राम से ज्वाइन करना है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लिख दीजिए, ठीक है, मैथ बाय शेखर, ठीक है, स्पेस नहीं देना है, ठीक है, ध्यान रखना, मैथ बाय शेखर, ठीक है, ये आपके पास टेलीग्राम है अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए, आप क्वेश्चनों के सॉल्यूशन करना चाह रहे हो तो आप ये मोबाइल नंबर है 88 24 21 24 05, ठीक है, इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और नाम भी भेजना है साथ में, ठीक है, जिससे आपको मैं जोड़ सकूं, ठीक है, मैसेज करो उसमें नाम लिख देना है जिससे आपको मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, दोनों ग्रुपों में ऐड कर दूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप जिस ग्रुप में आप बातचीत करते हो, ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हो उस ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, अब बार बार कोई नहीं पूछेगा ये सवाल कि हमें ग्रुप में ऐड कर दो, ठीक है, जिसको देखना है पीछे से देख सकते हो, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्वेश्चन के बीच में बातें नहीं, ठीक है, चलो अब जब भी मैंने आपको कहा जब भी आप क्वेश्चन करो छह वाला हो चाहे आठ वाला हो, ठीक है, अगर इजी होता है तो करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास छह दिए हुए हैं तो दो डायग्राम बनाओ साथ में, ठीक है, एक अगर गलत भी हो जाएगा तो आपका दूसरा सही हो जाएगा, हैंड टू हैंड आपको दो ही डायग्राम बनाने हैं, ध्यान में रखना है डायग्राम दो बनने चाहिए, ठीक है, छह वाला हो चाहे आठ वाला हो, अगर छह वाला हो तो अच्छी बात है, ठीक है, छह वाला अगर सीधा सा समझ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, लेकिन आपको दो डायग्राम बनाने हैं, अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करते चलिए, इसने क्या पूछा, छह मित्र दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ, एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं भैया, ठीक है, बाहर की ओर नहीं अंदर की ओर, ठीक है, चलो ये है अंदर की तरफ, ठीक है, चलो अब इसने आगे क्या पूछा है, मुंह करके बैठे हुए हैं, अब इसने क्या कहा, ए बी, ए जो है आपके पास बी और ई के बीच में है,
ठीक है, यानी जो आपके पास ए बैठा है, मान लो कि मैं ए अगर मैं यहां पर रख दूं ए को, ठीक है, ए अगर आपको मैं यहां पर रख दूं, ठीक है, ए मान लो मैं यहां पर रख दूं, ठीक है, दोनों जगह ए रख दिया, और ये किसके बीच में है, बी और एफ के बीच में, तो बी और एफ के बीच में है, तो बी अगर मैं यहां पर रख दूं तो एफ यहां पर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, अगर मैं ए यहां पर रखूं तो बी आपके पास यहां, एफ यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताइए, दोनों डायग्राम इस वक्त सही है, ठीक है, दोनों डायग्राम इस वक्त क्या है, सही है, ध्यान रखना इन चीजों को, क्योंकि यही चीजें आपको प्रॉब्लम खड़ा करेगी, दोनों चीजें समझ चुके हो कि आपके पास अगर ए यहां पर है तो बी यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी बी हो सकता है, ठीक है, दोनों डायग्राम ध्यान में रखना, ठीक है। अब आगे आपको पूछा गया है कि जो सी है, सी आपके पास है वो डी और एफ के बीच में है, किस किस के बीच में है, जो आपके पास कौन सा है, यानी जो सी वाला है, सी है वो किस किस के बीच में है, डी और एफ के बीच में है, ठीक है, जो डी आपके पास कहां पे दिया हुआ, सी, बिल्कुल सी दिया हुआ है, सी आपके पास दिया हुआ है, किस किस के बीच में है, सी डी और एफ के बीच में है, ठीक है, तो डी अगर मैं कहां पे करूं, कहां पे लिख सकता हूं, किस किस के बीच में लिख सकता हूं, एक मिनट रुकिए साथियों, एक मिनट, कहीं पे गड़बड़ कर दी हमने, सॉरी, एक मिनट, यहां पे गलत कर दिया हमने, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है, सॉरी उसके लिए, यहां पर ई है, उसके लिए माफी चाहूंगा, यहां पर मैंने एफ समझ लिया, एक मिनट, बिल्कुल यहां पर ई की एफ की जगह क्या करना है, ई करना है आपको, बस, ठीक है, बाकी सब सही है, एफ लिख दिया मैंने, ठीक है, एफ, सॉरी, ठीक है, जब ही कंफ्यूजन। अब इसने क्या कहा है, जो सी है आपके पास वो क्या कह रहा है, डी और एफ के बीच में है, ठीक है, तो आपके पास ना तो डी है ना एफ है, तो हम इस वक्त इस समय कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, अगर करना भी चाहो तो अगर आप यहां पर एफ रखते हो, ठीक है, यहां पर अगर एफ रखते हो तो आपका डी कहां होगा, ठीक है, आपका डी कहां होगा, डी यहां पर होगा, और D अगर यहां पर होगा तो D और F के बीच में कौन सा है, D और F के बीच में आपका कौन सा होगा, D और F के बीच में आपका C होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो आपके पास ये इस तरीके से होगा, ठीक है, अब ये मैंने यहां पर भी कर सकता हूं, अगर F तो यहां पर भी तो हो सकता है ना, F यहां पर भी हो सकता है और D आपका यहां पर भी हो सकता है और C आपका यहां पर भी हो सकता है, ठीक है, अब अभी तक तो दोनों सही है, यहां तक तो आपके दोनों ही डायग्राम सही है, लेकिन आगे तो पढ़ो, आगे पढ़ोगे तो इसने क्या कहा, ई जो है वो डी के तुरंत बाद है, अब समझना ई क्या है, ई के तुरंत बाद कौन है, डी, तो ये देखिए ई के तुरंत बाद आपका क्या है, डी है, सही है कि नहीं, और यहां पर भी ई के बाद में आपके पास तुरंत कौन सा है, डी है, चलो कोई बात नहीं, तुरंत बाएं आपके पास, ठीक है, यहां पर देखिए तुरंत बाद दाई ओर, तो दाई ओर आपका क्या हो गया, दाया ओर आपके पास कौन सा होगा, दाई ओर कौन सा रहा, देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यहां पर आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि केंद्र की ओर मुख कर किया हुआ है, तो आपका राइट और ये लेफ्ट, ठीक है, तो तुरंत बाद दाई ओर कौन सा है, डी है, तो आपका कौन सा होगा, यानी कि जो आपके पास ये होगा, ये इसके दाई ओर है, क्लियर है कि नहीं, ये आपके पास राइट है और ये आपके पास लेफ्ट है, ठीक है, तो डी के तुरंत बाद, तो डी का दाया तो आपके पास ये रहा, तो डी के दाएं बाद तो कौन सा है, सी है, सी है कि नहीं है, तो सी आपको नहीं रखना है, आपका क्या आना चाहिए, आपका आना चाहिए ई होना चाहिए, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन सही हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डी के तुरंत बाद पूछा है या ई के तुरंत बाद, ये चीज ध्यान में रखना है, तो आपके किसके तुरंत बाद में है, डी के तुरंत बाद, तो डी का तुरंत दाया कौन सा हो गया, ई हो गया, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, डी के तुरंत दाएं कौन है, ई है, बिल्कुल करेक्ट बात है ना, लेकिन यहां पर देखिए डी के तुरंत दाएं कौन सा है, सी है, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है, सब क्वेश्चन क्लियर है, ये भी क्लियर है, अब आपको आंसर देना है, अब इसमें आंसर क्या होगा, तुरंत बाई ओर है, ठीक है, इसमें क्या पूछा है, एफ का ई के साथ किस प्रकार से संबंधित है, ई का एफ से किस प्रकार संबंध है, तुरंत बाई ओर है क्या, ये बताइए, एफ का ई से तुरंत बाई ओर है क्या, नहीं है, तुरंत बाई ओर नहीं है, तो आपका ये भी गलत, ठीक है, दाएं से दूसरा है क्या, नहीं, दाएं से दूसरा भी नहीं है, ठीक है, दूसरा बी हो जाएगा, यहां पे देखोगे तो डी हो जाएगा, ये भी गलत,
ठीक है, दाएं से तीसरा है क्या? बिल्कुल दाएं से तीसरा है क्या एफ के? तो एफ का स्थान दाएं से तीसरा है क्या? बिल्कुल तीसरा है, 1 2 3 करोगे, बिल्कुल तीसरा स्थान है, बिल्कुल करेक्ट बात। ठीक है, तो ये चीज यहां पर भी देना है। ठीक है, दाएं से तीसरा स्थान है, बिल्कुल है कि नहीं? 1 2 3 3 का वाला स्थान है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे किस प्रकार संबंधित है? तीसरा स्थान, तो आपका सी इज करेक्ट आंसर। डन है सभी का? नहीं, इसको तो देखो, इसमें समझिएगा थोड़ा, क्योंकि देखो डायग्राम तो दोनों इजी समझ में भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन पीछे जाओगे ना, पीछे आगे सोल्व करोगे तो आपका एक डायग्राम गलत हो जाएगा और दूसरा डायग्राम एकदम करेक्ट रहेगा। तो दो दो डायग्राम बनाना है। कभी भी आप अगर 6 का काम करते हो, ठीक है, 6 का काम करते हो, तो आपको क्या करना है? दो डायग्राम बना के हुए चलना है, जिससे आपको आसान रहे। एक गलत हो जाएगा तो दूसरा सही, लेकिन अगर आप बनाओगे एक डायग्राम बनाओगे तो आपका गलत होने के पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, पूरे चांस रहेंगे गलत होने के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वही 6 मित्र वाला है, दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, दो डायग्राम बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, दो डायग्राम बनाओ और दो डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर करो, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो सके। 6 मित्र हैं, पहले ही दे रखा है कि 6 मित्र हैं, गोला बनाकर बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ताश खेल रहे हैं, 6 मित्र हैं पहला, ठीक है, दूसरा आपके सामने, कर दीजिए स्टार्ट, आंसर दे दीजिए मुझे। ठीक है, ये रहा, इसमें भी पूरे बना दीजिए। चलो अच्छा, वो समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, अगर इसको समझ जाओगे वो अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, हाँ ठीक है, उसको लेकिन निकालना तो सभी को है, क्वेश्चनों को जाके दोबारा से निकालना है साथियों, पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, ध्यान रखना, लेकिन आपको क्वेश्चनों को निकालना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना चाहिए। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों से, आप कोई सा भी क्वेश्चन आपके रहे, आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेना, क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना। ठीक है, ये 6 वाला ही है, घबराओ मत, 6 वाला ही है। ठीक है, आसानी से हो जाएगा, पहले इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, कितने मित्र हैं? 6 मित्र हैं, कृष्ण, आंसर दे दीजिएगा सभी को, आंसर देना है, कृष्ण दिनेश के बाई ओर बैठा है। ठीक है, आपको बताना है कि कृष्ण को कहां पे रखूं और कृष्ण जो है दिनेश की कौन सी तरफ है? बाई ओर है। ठीक है, कृष्ण के कौन से ओर है? दिनेश के बाई ओर बैठा है। दिनेश की कौन से है? बाई ओर। अगर मैं दिनेश को कहीं भी बिठा दूं, यहां पे मान लो मैं दिनेश को बैठा दिया, ठीक है, दिनेश को मैंने यहां पर बिठा दिया, और दिनेश जब यहां पर बैठा है, एक बात बताइए, दिनेश का बाया किस तरफ है? इधर तो आपके पास दाया हो गया, ठीक है, और इस तरफ हो गया आपके कौन सा? बाया हो गया। तो अगर मैंने दिनेश को यहां पर बिठाया है, तो एक बात बताइए, यहां को मैं कृष्ण बिठा सकता हूं? कृष्ण बिठा सकता हूं कि नहीं बिठा सकता? ठीक है, देखिए, तो यहां पर मैं दिनेश बिठा दिया हूं, कहीं भी रख दो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें भी वही डायग्राम बनेगा, इसमें भी, क्योंकि इसमें दिनेश को अगर यहां पर बिठाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? दिनेश यहां पर बैठा है तो कृष्ण यहां पर बैठेगा ही बैठेगा। ठीक है, कोई सा भी बना लो, किसी भी टाइप से। ठीक है, अगर इसमें तो देखो सोल्व हो जाएगा, इसमें तो कहीं अलग बिठा भी नहीं सकते। ठीक है, इसमें तो सीधा सीधा बाया दे मेला है, दे रखा है, इसलिए आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आगे बात करते हैं, बी की तरफ आंसर, ए बी में आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या बात है, ए बी ए बी, एक आंसर आएगा, दो तो नहीं हो सकते ना, देखते हैं बी आएगा या ए आएगा। चलो आगे देखो, ठीक है, इसने क्या कहा, मोहन बॉबी और जॉन के बीच में है। ठीक है, मोहन क्या है, देखो मोहन को अगर मैं यहां पर बिठा दूं, क्योंकि यही बिठा सकते हैं बीच में, तो तभी आएगा। ठीक है, यहां पर मैं अगर यहां पर मोहन को बिठा देता हूं, ठीक है, मोहन को मैं यहां पर बिठा दिया, ठीक है, मोहन को यहां बिठाया, ठीक है, अगर मैं मोहन को किस किस के बीच में है, बॉबी को और जॉन के, ठीक है, अगर मैं यहां पर जॉन रखता हूं, ठीक है, यहां पर जॉन रखता हूं, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बॉबी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका एक चीज और भी ध्यान रखना है, ठीक है, आपको कोई जरूरी थोड़ी है यहां पर हो, यहां पर भी तो हो सकता है, अगर मैं यहां पर आपका मोहन बिठा दूं, ठीक है, मोहन अगर यहां पर बिठा दिया, तो आपका जॉन कहां पे हो जाएगा? ठीक है, जॉन आपको यहां पर बिठाना पड़ेगा,
ठीक है, जोन कोई जरूरी नहीं है यहां पर बैठे, बॉबी भी बैठ सकता है यहां पर, ठीक है, और यहां पर बैठ सकता है आपका जोन, ठीक है। दो ऑप्शन ध्यान रखना है क्योंकि आपका एक गलत होने के पूरे चांस है, ठीक है, चीजों को समझना है। अब एक जगह खाली है सिर्फ और सिर्फ, और उस जगह पर किसको बिठाओगे, आपके पास जो बचा है उसको बिठाना है। छह मित्रों में आपके पास कौन सा बचा है, रमेश, तो रमेश को मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है, यहां पर रमेश को रख दिया है, यहां पर रमेश को रख दिया है। अब जो पूछा जा रहा है उसके बारे में आंसर दे दो। इसने क्या कहा, रमेश कृष्ण और बॉबी के बीच में है, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, क्या, ठीक है, ये बताइए। इस ऑप्शन इसको देखो पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आप देखोगे रमेश कृष्ण और बॉबी के बीच में है क्या, ठीक है, रमेश जो है वो किस किस के बीच में है, जॉन और कृष्ण के बीच में है, लेकिन क्वेश्चन में देखो कहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है कि रमेश कृष्ण और बॉबी के बीच में है, ठीक है, ये रहा बॉबी और ये रहा कृष्ण, दोनों के बीच में है ना, तो आपका ये ऑप्शन तो सही है और ये ऑप्शन आपका गलत है कि नहीं। अब एक डायग्राम, अब आप शुरू से बनाओगे, एक डायग्राम में आपके गलत होने के चांस है, ठीक है, समझना। तो दो इसलिए बनाया हूं साथ के साथ कि अगर एक गलत हो जाए तो आपका एक सही होगा, दो बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, निकालोगे, अगर एक बार गलत हो गया तो फिर शुरू से क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा, इससे अच्छा है ना दो क्वेश्चनों को साथ में लेकर चलो, जिससे जिसमें आपका एक ऑप्शन गलत भी हो जाए, एक डायग्राम गलत हो जाए, तो आपका दूसरा डायग्राम तो सही रहे ना, ठीक है। अब तो क्लियर है, अब आगे पढ़ो, बीच में है बिल्कुल, क्वेश्चन क्लियर है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, अब जो ऑप्शन है आंसर है वो देना है, सीधी सी बात है। तो मोहन के दाईं ओर कौन बैठा है भैया, मोहन के दाईं ओर, तो मोहन तो ये रहा, ठीक है, अब मोहन का देखो ये तो हो गया बायां, ठीक है, और ये हो गया दायां, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर आपका देखो कौन सा हुआ, बॉबी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहन के दाएं कौन बैठा है, बॉबी बैठा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉबी इज करेक्ट आंसर, डन है सभी का। चलो अगला वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का आंसर बताना है, कृष्ण और जॉन के बीच में कौन बैठा है, ये रहा कृष्ण, ठीक है, ये रहा कृष्ण और ये रहा जॉन, ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा बैठा है, दिनेश, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिनेश इज करेक्ट आंसर, डन है सभी का, बिल्कुल क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके इसके आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, डायग्राम बनाओ, अगर मैंने यहां पर डायग्राम बना लिया है तो फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, अगले क्वेश्चनों में आपको डायग्राम बना के साथ में रखना है कि कौन सा डायग्राम बना है, ठीक है, अगर एक डायग्राम बन चुका है ना तो आपका 7, 8, 9, 10, 11 ये क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, एक डायग्राम बनाओ ध्यान से, ठीक है, इसमें कितने मित्र हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात मित्र हैं, ध्यान रखना, कितने मित्र हैं, सात मित्र हैं, चलो कोई बात नहीं, सात मित्र हैं, तो मेरे सात मित्रों को इस प्रकार दो डायग्राम बना लेता हूं, जिससे अगर एक गलत भी हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, चलो सात बना लीजिए, ठीक है, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो और 2 यहां पर रख दो, 6 और 7, ठीक है, उसी प्रकार कर दो, 2 तो आपके पास ये रहे, ठीक है, 2 आपके पास ये रहे, तीसरा ये रहा और ये रहा, हो गए 7, 3, 3, 6 और 7, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, इस तरफ से, ठीक है, करो करो, ठीक है, जल्दी से डायग्राम बना लिए हो तो आगे बढ़े, ठीक है, मैं भी डायग्राम बना देता हूं फिर, तो डायग्राम बन चुका है, ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन की ओर, मैं भी डायग्राम बना लेता हूं जिससे आपका पता चल सके, अगर डायग्राम बना लिया तो आपके ये क्वेश्चन सोल्व है, बस डायग्राम पे ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेट आपका डायग्राम पे रहना चाहिए। चलो आपके देखिए, जरूरी इसी क्रम में हो, इसी क्रम में आपके पास हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, इसने क्या कहा, सबसे पहले डी एफ की बाई दूसरा नहीं है, ठीक है, चलो इसमें तो पुख्ता जरूरी चीज नहीं बताई गई तो इसको हम लिखते भी नहीं, ठीक है, आगे जब आपको पुख्ता चीज दी हुई हो कि इसके जस्ट दूसरा हो, जस्ट तीसरा हो, तो आप उसे आसानी से कर सकते हो, लेकिन इसमें कहा गया कि बाएं से दूसरा नहीं है, जरूरी नहीं है, तो आपको इसको छोड़ देना है 2 मिनट के लिए, ठीक है, जो चीजें आपके काम की है वो चीजें देखती है। डी ए के दाई और दूसरा है, ये तो पुख्ता है भैया, इसने तो फिक्स कहा है कि अगर आप यहां पर मान लो कहीं भी जगह, किसी भी जगह आप अगर डी मान लेते हो यहां पर, ठीक है, तो इसने क्या कहा है, डी ए के दाएं दूसरा है, यानी ए का दाया दूसरा है, तो ए अगर मैं यहां पर रखता हूं तो ए का दाया दूसरा हो गया क्या डी, ठीक है, ए कर दो, यानी ए के दाएं यहां पर दाया है, ये तो दाया हो गया,
ठीक है, दाया है मतलब राइट है, ठीक है, तो राइट कौन सा हो गया, दूसरा हो गया डी, ठीक है। इसी प्रकार आप यहां पर भी रख दो, इसको मैं अगर ए मानता हूं, इसका दाया दूसरा कौन सा हो गया, डी। क्लियर है यहां तक तो? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें वापस से अगर आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, चलो आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। जो लाइन आपकी छूटी है उसको ध्यान में रखना है भाई, इसकी ये लाइन वापस आके देख लेंगे, ठीक है। अब इसने आगे क्या कहा है, जो सी है ए के दाएं से तीसरा है भैया, ठीक है, जो सी है आपके पास वो दाएं से कौन सा है, तीसरा है, हो सकता है बिल्कुल। तो आपके पास दाएं से तीसरा, 1 2 3, तो मैं यहां पर सी रख सकता हूं क्या, नहीं रख सकता, रख सकता हूं, ठीक है, यहां पर सी रख दिया, यहां पर भी 1 2 3, यहां पर मैं सी रख देता, ठीक है। साथ के साथ में दो डायग्राम बन रहे हैं, एक गलत भी हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे देखो इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, सी आपके पास क्या कहा गया है, सी जी के बाएं से दूसरा है, क्या समझे, सी क्या है, जी के बाएं से दूसरा है, ठीक है। अगर सी का बाया किस तरफ है, ओ सॉरी, जी का, जी अगर मैं यहां पर रख देता हूं, ठीक है, जी यहां पर रख देता हूं, तो जी के बाएं से दूसरा कौन सा हो गया, देखो ये तो इसका हो गया दाया, ठीक है, और ये हो गया है बाया, है क्या इसका दूसरा, 1 और 2 दो नंबर पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मैंने इसको रख दिया है कि अगर मैं यहां पर जी रख देता हूं तो यहां पर स्पेस है, यहां पर हो गया, क्लियर है अभी तक तो? दोनों ही फॉर्मूले क्या है, दोनों ही तरीके आपके एकदम करेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें हमने नहीं लिखी है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, यहां तक तो आपका क्लियर है, ठीक है, जहां तक क्लियर है वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसने क्या कहा कि बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसने क्या कहा, जो भी बी है वो जी का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा, जो बी है ना वो जी के निकट नहीं आना चाहिए, आपके पास यहां पर जी है, ठीक है, तो आप इसके निकट यहां पर भी बी नहीं रख सकते, ध्यान रखना, और यहां पर भी आप बी नहीं रख सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसने मना किया है कि बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो फिर इन दोनों के अलावा वो कहां पर आ सकता है, बी, बी आपका यहां पर आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है ना, तो यहां पर मैंने बी लिख दिया, क्लियर है। अब चलो, अब देखो सारी लाइनें खत्म हो गई है पूरी, हमने एक लाइन छोड़ी थी सिर्फ और सिर्फ, उस लाइन में वापस आ जाइए। इसने देखो ये क्या कहा गया है कि डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, ठीक है, क्या कहा गया है, बी इसके दाएं से दूसरा नहीं है, यानी आप समझिएगा, बी आपके पास ये रहा, ठीक है, और डी आपके पास ये रहा, डी का बाया कौन सा है, ये तो आपके पास हो गया दाया, ठीक है, और ये हो गया बाया, बाएं से दूसरा नहीं है, यानी दूसरा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको अगर मैं कहां पे रखूं, इस पे रख सकता हूं मैं ई, यहां पर ई रख देता हूं, क्योंकि एफ तो यहां पर हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया, एफ यहां पर है तो बचा क्या ई, तो ई मैं यहां पर रख देता हूं, ठीक है, ये दोनों ही डायग्राम सही हो जाएंगे इसमें तो, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी कहा गया है, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि दोनों डायग्राम एकदम सही हो जाते हैं, कई बार आपका ये तो एक डायग्राम तो 100% गलत होगा, कहीं ना कहीं आप गलती कर ही दोगे, तो एक तो गलत हो जाएगा, आपका एक सही हो जाएगा, लेकिन इसमें तो दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब बताइए यहां तक इस क्वेश्चन में कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं है, या क्वेश्चन बैठा नहीं है, या दोबारा से बताना है तो बता दीजिए, जिससे मैं आगे बढ़ूं फिर, ठीक है। ये डायग्राम ध्यान में रखना है, अब इस डायग्राम से सारे आंसर सोल्व हो जाएंगे अपने, ठीक है, सारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, नहीं तो मैं आगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, आपका डायग्राम बन चुका है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन 7 का आंसर बताना है कि सी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, बताइए सी के तुरंत दाएं कौन बैठा था, आपके पास डायग्राम है, पीछे देखने की जरूरत पड़ेगी क्या, ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक मिनट एक मिनट, ई कैसे आया, एक मिनट, ई कैसे आया भैया, कहां पे समझ में नहीं आया, ई कैसे आया, एक मिनट रुकिए, अभी आपको मैं इसको मिटा देता हूं, फिर अभी को बता दूंगा, ठीक है। चलो ये लाइन हमारी रह गई थी, ठीक है, बाकी तो सब कुछ ठीक था, बस एक लाइन बची है, और एक लाइन में आपको ये बताना है कि आपका यहां पर आंसर क्या होगा, ठीक है, ये चीज समझ में नहीं आई, बाकी तो आपके सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर बस ये दो चीजें आपको पता नहीं है कि ये दोनों चीजें आपकी क्या होगी, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, डी आपके पास क्या है, डी एफ के
बाई ओर दूसरा नहीं है, यानी कि आप अगर रखोगे ठीक है तो बाई ओर दूसरा नहीं होना चाहिए, क्या डी नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना बाई ओर दूसरा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर रख देता हूं एफ को, समझिए अगर मैं एफ यहां पर रखता हूं ठीक है, एफ यहां पर रखता हूं तो इसका देखो यहां पर तो हो गया दाया ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया दाया और ये हो गया आपका बाया ठीक है। अब इसके बाएं से दूसरा, इसको बाएं से निकालोगे तो बाएं से दूसरा आपका कौन सा है डी है क्या ठीक है, बाएं से दूसरा आपका डी है ठीक है, तो आपका नहीं होना चाहिए, इसने ये कहा है ना बाएं से दूसरा डी नहीं होना चाहिए ठीक है, तो बाएं से दूसरा आपका एफ यहां नहीं होगा, आपका एफ होगा यहां पर। अब यहां पर बाएं से दूसरा डी नहीं है, नहीं है ना आसपास में कहीं भी ठीक है, और आपके पास अब जो बची है वो क्या कौन सी संख्या रही है ई रही है ठीक है, अब तो क्लियर है ठीक है, मैं तो सोचा था कि समझ गए होंगे ठीक है, अब तो क्लियर है आपका डायग्राम गलत है। ये कौन सा डायग्राम गलत है, ये तो गलत हो गया, चलो ये तो गलत हो गया, लेकिन ये डायग्राम गलत है क्या ये बताइए, ये डायग्राम गलत है क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता ठीक है। चलो एक डायग्राम आपका गलत कर सकते हैं, ये दोनों डायग्राम आपके गलत नहीं हो सकते ठीक है। अब आंसर चलते चलिए, आंसर देखो सेवन में देखिए, सेवन में क्या कहा गया है, सी के तुरंत दाएं कौन बैठा है बताइए, सी के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, सी आपका ये रहा ठीक है, इसका ये तो है लेफ्ट और ये है राइट, तो राइट आंसर कौन सा हो गया ई आपका राइट आंसर ठीक है, तो आपका ई राइट आंसर है, मतलब सी आपका ऑप्शन ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, एक बार कहना एक बार बता दिया बिल्कुल सही है तो सही है ठीक है, उसमें कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी, चाहे कितने भी आप डायग्राम बना के देख लो आपका डायग्राम वही सही रहेगा ठीक है, कोशिश करके देख लो, एक बार में प्रैक्टिस नहीं होगी, दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप बनने लगेंगे डायग्राम अपने आप ठीक है। अब यहां पर देखिए अगर आपका डायग्राम सही नहीं होगा ना तो इसकी देखो जांच कैसे होगा, अगर आपका डायग्राम सही नहीं होगा ना तो आपके जो क्वेश्चन है पूरे वो भी नहीं बैठेंगे, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, और आपका एक भी आंसर नहीं आया मतलब सारे गलत होंगे फिर तो पक्की बात है। अब यहां पर देखिए ए और जी के बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा है, अब ये देखिए ए और जी, ए और जी कहां पर है आपके पास, ये रहा ए और ये रहा जी और इसके बीच में कौन बैठा है एफ, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा एफ आपका राइट आंसर ठीक है, डन है ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है डी के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, डी के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है भैया देखते हैं, डी के तुरंत बाईं ओर, डी के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है क्या बाईं ओर ठीक है, तो भैया इसका भी क्या आंसर हो गया बी आपका करेक्ट आंसर ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ठीक है। अब इसने क्या पूछा है डी के सापेक्ष ई की स्थिति क्या है ठीक है, अब तो समझ के आ गए हाँ, दो अगर देखो सारे बैठने चाहिए आंसर, अगर सारे बैठ जाएंगे तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी, तो आपका डी का आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर होगा दाएं को दूसरा ठीक है, दाएं से दूसरा होगा देख लेना चाहिए ठीक है, इसका दाएं से दूसरा होगा डी आपका करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन 11 वाला देखिए, सी के बाएं दूसरा कौन बैठा था, सी के बाएं दूसरा कौन बैठा था, बी बैठा था ना, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है, क्लियर है ना, ये चीजें ध्यान में रखनी है, चाहे आप डायग्राम से देख लीजिए आपको आंसर बैठ जाएंगे ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें जो आपको डायग्राम बनाना है देखना, इसमें 8 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति हैं 8 व्यक्ति हैं, दो डायग्राम बना लेना जिससे आपको क्वेश्चन अगर एक गलत भी हो जाएगा तो उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी ठीक है। 1 2 3 4 उसी प्रकार 1 2 3 4 डायग्राम बना लेना दो ठीक है, जिससे आपको आसान हो सके, केंद्र की ओर मुख करके बैठे 1 2 3 4 1 2 3 4 इस डायग्राम बना लेना आपका राइट आंसर बन जाएगा ठीक है, क्लियर है सभी, बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है। अब इतना टाइम नहीं रहेगा कि आपके सॉल्यूशन कर सके, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे ठीक है, एक डायग्राम और बना लेते हैं फिर आप आंसर सोल्व कर लेना, 12 से लेकर आपको 16 तक आंसर सोल्व कर लेने हैं, डायग्राम बना लेते हैं ठीक है, डायग्राम से फिर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा ठीक है। ये रहा आपके पास 8 व्यक्ति हैं, मैंने 8 व्यक्तियों का डायग्राम बना दिया, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं ठीक है भैया, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं
ठीक है। अब इसने जो भी कहा है, एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं, ठीक है। चलो जो लाइन अपनी कंप्लीट हो चुकी है उसको कैंसिल कर देते हैं, जिससे आपको बाकी चीजें दिखने लगे, ठीक है। हाँ चलो, क्योंकि ये जिस चीजें हैं, आपने जो चीजें कवर कर ली है ना, उन चीजों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आगे पढ़िए, इसने क्या कहा है कि इसने क्या कहा है कि क्यों जो आपके पास है P और R का पड़ोसी नहीं है। अब पड़ोसी नहीं है तो हम किसी को भी पड़ोसी नहीं मानते, ये लाइन ही हम बाद में काम करेंगे इस पे, ठीक है। देखो फिक्स, आपको फिक्स चीज पकड़नी है जो फिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब ये चीज फिक्स कहीं नहीं गई है, ना तो क्यों के बारे में, ना पी के बारे में, ना आर के बारे में, तो इस लाइन को आप 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, इसको वापस आके देखेंगे, ठीक है। आपको भी ऐसा ही करना है, जब तक आपको पुख्ता चीज नहीं मिलती है आप उस लाइन को उठाओगे नहीं, ठीक है। पहला काम ये करना है, हाँ ठीक है। अगर एक डायग्राम से करते हो आप, एक डायग्राम से ऐसा होता है कि आपकी गलती होने के पूरे चांस बनते हैं, ठीक है। अगर दो डायग्राम में होंगे तो आपका एक गलत भी हो जाएगा तो दूसरा तो सही होगा, ठीक है। दोनों मान रखते चलिए, अगर एक ही सही हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो तो पहली लाइन को छोड़ दो, आगे चलो। एम टी के बाई बाय को दूसरा, ठीक है। एम जो है टी के बाय से कौन सा है, दूसरा है। अगर मैं टी मान लो कि टी कहीं भी रख दो, टी आपके मान लो यहां पर टी मैंने रख दिया है, ठीक है। टी मैंने यहां पर रख दिया है। अब इसने क्या कहा, टी के बाएं को दूसरा, टी का बाया दूसरा कौन सा कर दूं मैं, टी यहां पर रखा है तो इसका बाया दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो यहां पर मैंने इसको क्या रख दिया है, ठीक है। एक मिनट, ये तो आपका हो गया कौन सा, दाया हो गया है, ठीक है। और ये आपके पास बाया हो गया है, क्लियर है, एक चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। बाएं से दूसरा करना है तो बाया आपका इस तरफ निकलना है आपको, ठीक है। इस तरफ निकलोगे तो आपके बाएं से दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा आपके पास ये बनेगा, यानी एम आपका यहां होगा, ठीक है। तो ये लाइन आपकी यहां तक तो कंप्लीट है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आगे देखो, दूसरा और पी के दाएं से तीसरा है, पी के कौन से दाएं से तीसरा है, तो पी का दाया कौन सा हो गया, ठीक है। पी के दाएं से तीसरा है तो पी का दाया कहाँ हो सकता है, पी के दाएं से ये जो टी है वो तीसरा है, इस चीज को समझना, ठीक है। जो टी है आपके वो पी के दाएं से तीसरा है, ठीक है। तो अगर मैं कहीं भी रखूं पी को तो आपके दाएं से तीसरा होना चाहिए, 1 2 3, ठीक है। तो मैं अगर यहां पर रख दूं पी को, ठीक है, पी को अगर मैं यहां पर रख दूं, यहां पर, ठीक है, पी को अगर मैं यहां पर रखा हूं तो इस पी का दाया कौन सा हो गया, ये बताइए, पी का दाया कौन सा हो गया, सभी को बताते हुए चलना है, पी का दाया कौन सा हो गया है, ठीक है। पी के दाएं को तीसरा है, ठीक है। तो इसमें ध्यान में रखिएगा, पी का तो यहां पर अगर ये चीज आपके समझ में आ चुकी है तो आपको ये लाइन, क्योंकि इसने पहले टी के लिए ही कहा था, ठीक है, तो एम के दाएं से, तो यहां पर आपका पी आपके पास रहेगा, है कि नहीं, ये बताइए। यहां पर आपको ये समझ में आया पी मैंने यहां पर क्यों रखा है, अगर ये चीज आपके क्लियर है तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ू, ठीक है, डन कीजिए। अगर ये पी आपको समझ में आया कि पी यहां पर क्यों आया है, ठीक है, यही चीज आपको प्रॉब्लम खड़ी करेगी कि पी क्यों आया है, क्लियर है ना, मैसेज नहीं आ रहा, चलो बिल्कुल क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अब यहां तक क्लियर है, अब आपको पूछा जा रहा है आर एन के बाएं को तीसरा है, R क्या है, N के बाएं को तीसरा है, कहीं भी रख दो R को अगर रखोगे, ठीक है। अगर मैं एक ही डायग्राम से करके देख रहा हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है, आपका इसको मैंने उठाया नहीं, आप भी एक से करते हो तो मैं भी एक से करने की कोशिश करता हूं, कहीं ना कहीं तो गलत होगा ही, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो डन है। अब इसने क्या कहा है कि जो R है वो N के किस तरफ है, R N के किस तरफ है, R N के बाएं को तीसरा है, R N के बाएं को तीसरा है, ठीक है। तो R कहाँ रख दूं मैं, ये मान लो कि R यहां पर रख दूं, लेकिन R तो कहीं भी हो सकता है ना, तो अगर मैं R यहां पर रखता हूं तो R N के बाएं से कौन सा होगा, तीसरा होगा, सॉरी एक मिनट 2 मिनट के टाइम दीजिए, ठीक है, 2 मिनट का टाइम। एक मिनट, चलो यहां पर देखिए इसने क्या कहा है, जो चीजें ध्यान में रखना है, एन के कौन से हैं, बाएं को तीसरा है। अगर मैं एन आपके पास यहां पर रख देता हूं, कहां पर रखूं एन, कहां पर रखूं, अगर मैं एन यहां पर रख देता हूं, 2 मिनट के लिए सोचिएगा, एन में अगर यहां पर रखता हूं तो एन के दाएं को तीसरा,
एन का दाया किस तरफ है? तीसरा, वन हो गया, टू हो गया, थ्री आपके पास हो चुका है ना आर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर? तो किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो मैं आगे चलूं। यहां पर मैंने एन रख दिया तो आर का एन का दाया तीसरा कौन सा हो गया? वन हो गया, टू हो गया और आपके पास ये हो गया थ्री। ठीक है, तो एन का दाया से तीसरा मैंने यहां पर गिन लिया। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो ये लाइन भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ये भी कंप्लीट, यहां तक आपकी ये भी कंप्लीट। ठीक है, और इसने क्या कहा? जो टी के एकदम बाएं को है, टी के एकदम बाएं है कि नहीं? टी एन के बाएं है कि नहीं एकदम? ठीक है, पूरी लाइन को पढ़ लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बात करो, यहां पर ये लाइन भी आपकी कंप्लीट। ठीक है, एल पी के दाएं को तीसरा है, एल क्या है? पी के दाएं को तीसरा है क्या? एल जो है आपका पी से दाएं को तीसरा है, अगर मैं एल को पी से दाएं को तीसरा, पी यहां पर है, ठीक है, पी यहां पर है, दाएं को तीसरा कर देता हूं, वन हो गया है, एक मिनट, ठीक है, वन हो गया, टू हो गया है, ठीक है, आपके पास थ्री, आपके पास यहां पर क्या होगा? एक मिनट, एल आपके पास हो गया है, एल और पी के बारे में कहा गया है, पी आपके पी के दाएं को दूसरा, अगर पी यहां पर रख देता हूं तो एल आपका यहां पर होगा कि नहीं होगा? ये दोस्तों ये बताइए, यहां पर दूसरा हो गया, दूसरे के लिए बोला गया है। ठीक है, अब यहां पर ये भी आपका राइट आंसर हो चुका है, क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल। तो पी के दूसरा कौन सा है? मैंने लिख दिया है एल, क्लियर है? चलो एल क्लियर है। अब आपको आगे देखना है, दो चीजें आपके पास और बची है। ठीक है, अब वापिस आ जाइए, जो चीज हमने लाइन छोड़ी थी उस पर वापिस आइए। क्यों क्या कहा गया है? क्यों क्या किसके लिए बोला है? क्यों के लिए बोला है कि क्यों जो है वो पी और आर के बीच में है। किस किस के बीच में है? पी और किसके बीच में है? पी या आर का पड़ोसी नहीं है। किस किस का पड़ोसी नहीं है? आर का पड़ोसी नहीं है, ना तो पी का पड़ोसी है ना आर का पड़ोसी है। तो यहां पर मैं क्यों को नहीं रख सकता, नहीं रख सकता ना क्यों को यहां पर, क्योंकि क्यों पी का पड़ोसी नहीं हो सकता, तो मैं क्यों को यहां पर रख देता हूं। ठीक है, अगर मैं क्यों यहां पर रख दिया हूं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक जगह बची है, और उस एक जगह को कौन सा रह गया हमारे पास? देखो पी आ गया, पी क्यू आर एस, एस रहा है तो एस को आप यहां पर रख दो। ठीक है, क्योंकि एस के लिए कहीं भी नहीं कहा गया है, जो आपके पास स्थान बचे उसको वहां के वहीं पे रख दो। ठीक है, तो आप बताओ ये डायग्राम आपका क्लियर है क्या? ठीक है, एक बार आप दोस्तों फिर से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेना, आपको बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा ध्यान से। ठीक है, एक बार अब इस चीज को सोल्व करना है आपको। ठीक है, ये डायग्राम बन चुका है, अगर ये डायग्राम सही होगा तो आपके सभी का आंसर आएगा, ए बी सी डी सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर डायग्राम गलत होगा तो आपके पास ऑप्शन कोई ना कोई गड़बड़ होगा या ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है, लेकिन कई बार आपको नन ऑफ दीज भी दिया होगा, उन चीजों का भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अब आपको ये देखना है, निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा टी का पड़ोसी नहीं है? टी का पड़ोसी कौन सा नहीं है? एम एन नहीं है, ठीक है, बताना है, क्यू एस नहीं है, आरपी नहीं है, या एमएल नहीं है, ये बताना है। तो आपका राइट आंसर कौन सा है? इनमें से कौन सा नहीं है साथियों? इनमें से कौन सा नहीं है तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। अब बाकी आंसर आप सभी को करने हैं। ठीक है, इन सभी के आंसर आपको करने हैं। ठीक है, तो ये थे आपके आज के दोस्तों क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल ग्रुप में शेयर कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, फिर भी परेशानी आती है तो फिर मुझे बता दीजिएगा कि सर हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है प्लीज, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, अगर कोई भी परेशानी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, और आप जो भी विद्यार्थी नए हो तो दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसी क्लास लगी है? थोड़ी आज बोरिंग क्लास की टाइप की होगी, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करोगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करने हैं आपको जहां भी मिले, ठीक है, वो क्वेश्चन कर लेना है, और ये क्वेश्चन जो आपके हैं उनको दोबारा से करना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो अपना फीडबैक जरूर दे, क्लास आपको कैसी लगी है साथियों। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको पुरानी जितनी भी क्लासें हैं हमारी वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आपका जो कल वाला टॉपिक है सभी को बता दिया है मैंने। ठीक है, कि आपका ठीक है, गलत है, गलत नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है, आपका सोल्व करना है आपको, ध्यान से देखते हैं आंसर कैसा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से देखना है। ठीक है, ऑप्शन में आपको बता दूंगा, आंसर भी आपके में डाल दूंगा पीडीएफ में, ध्यान रखिएगा।
पूरी क्लास आपको देखनी है, सभी क्लासें, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको सारी क्लासें, जिसको भी कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है, तो अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा क्लास कैसी लगी है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम कल, किसके साथ मिलेंगे, सभी को पता चल गया होगा कि कैलेंडर अपना टॉपिक रहेगा शायद कल, ठीक है, बिल्कुल, चलो बिल्कुल। तो आप ग्रुप में एक दूसरे की मदद कीजिए, अगर अपना जो अपना डायग्राम गलत है तो बिल्कुल इसको भी सोल्व कर लेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अगर डायग्राम गलत है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। डायग्राम आपको मिल चुका है, देखते हैं कितनों का आंसर आएगा, ठीक है। टेक केयर, ख्याल रखना अपना, ठीक है, और कोशिश करते रहना जितना भी हो सके, अपनी पूरी कोशिश करना, ठीक है। मिलते हैं क्लास के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।